माशी साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी जब ये गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम है, उनसे मिली थी। हां जी, कब मिली थी? मैं मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशाखाना की जब आपने घड़ी की बात की, तोशाखाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज खरीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की उसमें कोई गलत बात नहीं। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन तोशाखाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरे इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल उनकी हुकूमत थी जी, ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो भी जो ड्यूज हैं जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें, ये मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं, गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहब गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाशी साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी, मैंने नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी तीन गाड़ियां दी जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। ऑनेस्ट बात बताऊं, ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूंगा। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, प्लीज काइंडली, डोंट वरी डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई कि रॉयल, अभी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है रिकॉर्ड में है ये? JIT की रिपोर्ट में आया भाई। क्या डिक्लेयर्ड आपके रिटर्न्स के अंदर? इसके बारे में कुछ नहीं। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Maryam Safdar owned a, ye ab exact report bata rahi, Maryam Safdar owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. Takriban 2 crore rupaye ki aapne wo gaadi bechi in the year 2011-12. Isko video to nahi kar rahe, bann kar de zara please. Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने declare किया है इसको अपनी income tax return के लिए? मेरा ख्याल है कि ये family की कोई होगी, मुझे इसका से honest। उसके बाद मैं इसको check करके आपके पास वापस आ सकता। Safdar साहब, Safdar साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैप के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी Land Cruiser। Land Cruiser थी। ये Safdar साहब ने भी declare किया है अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस में किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है, नहीं मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं ये। अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा है? नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। अच्छा, मुझे आई हैव नो इंफॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की? 2009-2010 मुझे नहीं पता, मैं चेक। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली, तीन, मुझे नहीं पता ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली में ये सारी JIT के अंदर है, JIT के।